इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है, गर्मी खत्म हो चुकी है और हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है। मौसम के इसी बदलाव के बीच डेंगू वायरस ने पांव पसार लिए हैं। सरकारी ही नहीं और निजी अस्पतालों में भी डेंगू बुखार के मरीजों की भीड़ लग रही है। इस बुखार में जरा सी लापरवाही जानलेवा बन सकती है। ऐसे में हमारे लिए डेंगू संबंधी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे संवाददाता ने वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर बी एन आचार्य जी से इस संबंध में बात की। आइए सुनते हैं डॉक्टर बी एन आचार्य जी को। सर, जैसा इस समय जो है बारिश का सीजन ख़त्म हो चुका है और ठंडी हल्की हल्की शुरू हो रही है, डेंगू का प्रकोप एकदम से फैला हुआ है, इसका क्या कारण? ये डेंगू क्या है और कितना खतरनाक है, थोड़ा समय दर्शकों को जानकारी दे दी। डेंगू एक वायरल संक्रमण है। इसमें व्यक्ति को मच्छर के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। तेज बुखार आना, चिड़चिड़ापन और शरीर में जो रक्त की कणिकाएं होती हैं उसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल, उनकी संख्या एकदम से गिर जाती है। जो हमारी डिफेंसिव सिस्टम को मजबूत करते हैं वही कण ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और उसके कारण व्यक्ति एकदम कमज़ोर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और कभी कभी तो डेंगू के मरीज में असामान्य रूप से ब्लीडिंग होने लगती है जगह जगह से। तो ये एक बहुत ख़तरनाक रोग है। इसमें अगर समय रहते उपचार न लिया जाए तो डेंगू से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ख़ास तौर से ये जो वायरस है ये स्वच्छ पानी में होता है। बरसात में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और उसी से डेंगू मच्छर पनपता है। बहुत से लोग अपने घरों में छतों पर टायर रखे हुए हैं या गमले रखे हुए हैं या खुले घड़े रखे हुए हैं या इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी के अंदर ही डेंगू का मच्छर पनपता है और उसके बाद फिर वो किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। तो इस तरह की बुखार, बहुत तेज़ बुखार आना, बदन में बहुत तेज़ दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, खून निकलने लगना, ये सब बीमारियां, सिर दर्द, ये सब बीमारियां होने लगती हैं, बहुत तेज़ जाड़ा लगना, ये लक्षण होते हैं। और अगर ऐसा लक्षण हो, ये सर प्रारंभिक लक्षण है इसके जी, अगर ऐसा लक्षण हो तो तत्काल जाना चाहिए चिकित्सक के पास, अपने निजी चिकित्सक को दिखाना चाहिए और डेंगू का की जाँच होती है पैथोलॉजिकल लैब में, उसमें जांच करा के ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये डेंगू वायरस का संक्रमण है। और अगर ऐसा है तो हम होम्योपैथी के द्वारा 100% इसको ठीक कर लेते हैं और इसमें बहुत कारगर हैं होम्योपैथिक दवाएं। अगर हम नियमित रूप से सही दवा का चयन करके किसी होम्योपैथिक विशेषज्ञ के संरक्षण में दवा लेते हैं तो निश्चित रूप से डेंगू के सारे लक्षणों से हमें निजात मिलती है और हम ठीक कर देते हैं। सर, हमने सुना कि डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा जो है, संख्या बहुत घट जाती है, तो सर ये कितने नॉर्मल होती है और कितना मतलब ये डेंजर पॉइंट पे आ जाती है जब डेंगू से? प्लेटलेट की संख्या एक स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम है, डेंगू में आमतौर पर ये संख्या बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है और कुछ मरीजों में तो 10,000, 5,000, 8,000 तक आ जाती है। ऐसी स्थिति में रक्त स्राव जगह जगह से होने लगता है और डेंजरस हो जाता है डेंगू का मरीज। तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि हमें ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने की दवाएं देनी चाहिए या फिर बाहर से ब्लड प्लेटलेट्स को चढ़ाया जाना चाहिए। तो उसकी जो 1.5 लाख की सीमा है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए डेंगू के मरीज में। जब तक हम 1.5 लाख तक उसे नहीं लाते तब तक डेंगू का मरीज पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाता है। सर, जैसे डेंगू में फीवर आता है तो नॉर्मल फीवर है जैसे किसी को, तो हम कैसे ये समझेंगे कि ये डेंगू के मतलब लग रहा है कि डेंगू हो सकता है, तो हम किस स्थिति में डॉक्टर के पास जाएँ? और देखिए, आम तौर पे ये जो बदलता मौसम है इस समय बुखार बहुत कॉमन है। जब किसी को कोई बुखार का सिम्टम
या लक्षण नज़र आए तो बुखार के साथ ये देखना चाहिए कि हमको और क्या क्या लक्षण हैं। अगर बुखार तेज बुखार के साथ सिर दर्द हो रहा है और शरीर में बहुत तेज़ी से कंपन हो रहा है, जाड़ा लग रहा है ऐसी स्थिति में, और बदन में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इस समय वर्तमान समय में चूँकि डेंगू का प्रसार बहुत है तो इस समय सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि अपने निजी चिकित्सक को दिखाकर और डेंगू की पैथोलॉजी से जांच करानी चाहिए। डेंगू की जांच बहुत आसान तरीके से हो जाती है और पता चल जाता है कि जो भी व्यक्ति बुखार से पीड़ित है वो डेंगू से संक्रमित है या नहीं। अगर डेंगू से संक्रमित है तो उसको डेंगू का उपचार दिया जाता है। अगर कोई और वायरस है तो उसको, जैसे मलेरिया भी हो सकता है इस सीज़न में, या सामान्य बुखार भी हो सकता है। तो डेंगू के बुखार में ख़ास तौर से बहुत तेज बदन में दर्द और सिर दर्द और पूरा बहुत हाई राइज फीवर। सर, जो डेंगू की जांच होती है उसको मेडिकल भाषा में उस जांच को क्या कहते हैं? डेंगू वायरस के लिए जो लिखा जाता है वैसे IgE करके कहते हैं, लेकिन आप सीधे डेंगू वायरस डिटेक्शन फॉर डेंगू वायरस ये लिखकर भेज देते हैं तो पैथोलॉजी की जांच कर दी जाती है। और सबसे पहले उसमें CBC कराना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे प्लेटलेट की संख्या और भी जो हमारे पैरामीटर्स हैं रेड ब्लड सेल्स के, वाइट ब्लड सेल्स के और हीमोग्लोबिन के, ये सारी चीज़ें उस CBC के और ESR ये भी ज़रूरी है। ESR ये इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति में कितना इन्फेक्शन ज़्यादा फैला हुआ है। जितना ज़्यादा ESR होगा उतना ज़्यादा डेंगू का या किसी भी इन्फेक्शन का असर होता है। तो एक ESR कराना चाहिए, CBC करानी चाहिए और एक IgE करके डेंगू वायरस का टेस्ट होता है जिसको लिख दिया जाता है डेंगू डिटेक्शन के लिए, तो वो भी पैथोलॉजी की जांच पैथोलॉजी में हो जाती है। सर, ये डेंगू का जो वायरस होता है नॉर्मली फैलता तो मच्छर से ही, लेकिन इसका क्या स्पेशल नाम होता है? जैसे मलेरिया में अलग वायरस होता है इसी में, तो इसमें सर डेंगू का ये एडीज एजप्टी नाम का एक वायरस होता है और ये ख़ास तौर से डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे येलो फीवर और भी कुछ तरह के इसके प्रकार हैं एडीज एजप्टी के, जो तरह तरह के फीवर्स को बढ़ाते हैं, जिनमें चिकनगुनिया है, जीका बुखार है, ये सब भी इसी मच्छर के विशिष्ट रूप हैं, जो अलग अलग रूपों में ये मच्छर पाया जाता है और इस तरह के वायरस के फीवर, वायरल फीवर्स को जन्म देता है। उसमें जो अभी डेंगू है वो एडीज एजप्टी का एक प्रकार है जो मच्छर के रूप में संक्रमित करता है व्यक्ति को। सर, जैसा कि हम सुनते आए हैं कि मच्छर जो होता है नाली या गंदे पानी में रहता है, आपने बताया कि डेंगू का वायरस जो है साफ पानी में रहता है, तो हमें घर में किस तरीके से प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि साफ पानी तो कहीं भी रखा होगा? हमेशा घर के अंदर एक तो ये ध्यान दें कि कोई भी सतह खुली ना हो, कोई भी पानी के बर्तन या पानी का स्टोर होने लायक कोई भी आइटम अगर रखा हुआ है घर में तो खुला ना रहे, उसको तुरंत ढक देना चाहिए अच्छी तरह। अगर वो खुला रहेगा, स्वच्छ पानी कहीं भी एकत्रित होगा और खुला होगा तो इस मौसम में उसमें संक्रमण का, डेंगू संक्रमण का, डेंगू उसमें तुरंत पनपता है, उसको उसका वो आश्रय स्थल है। अगर कहीं भी वो खुला पानी देखता है तो वो उसी में पनपने लगता है, बैठ जाता है और फिर प्रजनन करने लगता है, जिससे कि उसको वहाँ पर आराम से उसके लिए एक तरह से कॉलोनी मिल जाती है और इस तरह से वो वहाँ पर अपना विकास करता है और फिर वहाँ से निकल कर वो संक्रमित करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ आपके घर में जिसमें पानी स्टोर हो सकता होता है वो खुला ना हो, चाहे वो अंदर आपके किचन में हो, घर में हो या खुली छत पर हो, सबको ढांक कर रखना चाहिए। और ख़ास तौर से गमलों की और जो छत में चीज़ें जैसे पशु पक्षियों के लिए
जो पानी रखा जाता है उन सब की समय समय पर सफाई करते रहें, बदलते रहें, उसको स्टोर ना होने दें काफ़ी दिन के लिए, इसका विशेष ध्यान रखें। सर, ये डेंगू जो है कितने दिन तक टिकता है? जैसे नॉर्मल हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कितना, एक सप्ताह रहता है, दो सप्ताह, क्या टाइमिंग रहती है, कब तक ठीक हो जाता है पूरी तरीके से? देखिए, डेंगू का संक्रमण जब होता है तो अगर इनिशियल स्टेज पे पता चल जाता है तो 1 से 7 दिन, 3 से 7 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है। और अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, देर से पता चलता है, या डेंगू का वायरस इतना ज़्यादा संक्रमण शरीर में कर देता है कि ब्लीडिंग होने लगे या अंगों को डैमेज करने लगे, तो इसमें 1 महीना 1.5 महीना तक लग जाता है ठीक होने में। और कभी कभी इतनी सीवियरिटी होती है इसमें कि वो मरणासन्न कर देता है व्यक्ति को, और उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए बुखार को, और तुरंत अपने निजी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। सर, डेंगू के इलाज में दवा तो एक है ही इलाज, मतलब और खाने में जैसे फल में क्या चीज़ हम ध्यान सकते हैं, दे सकते हैं कि क्या हमें खाना चाहिए जिससे प्लेटलेट जो है वो बढ़ाने में सहायक हो? देखिए, बताते हैं कि पपीते का रस प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। हमारे यहाँ होम्योपैथी में कैरिका पपाया क्यू मदर टिंचर पपीते के रस से ही बनाया जाता है, और बहुत कारगर है, होम्योपैथिक औषधि है कैरिका पपाया। अगर किसी को डेंगू हुआ है और उसकी प्लेटलेट्स बहुत कम हैं, अगर वो कैरिका पपाया क्यू लेता है और डेंगू के अन्य लक्षण जो उसके शरीर में हैं उससे संबंधित जो भी औषधि उसके लिए चयनित होती है, जैसे यूपिटोरियम पर्फ या ब्राइनिया या जो भी औषधि लक्षणानुसार उसको लेता है, तो बहुत तेज़ी से उसके प्लेटलेट्स बढ़ते हैं और वो ठीक हो जाता है। वैसे पपीता, पपीते के पत्तों का रस इसमें बहुत फ़ायदा करता है। कीवी को भी बहुत यूज़ किया जाता है, उसे भी खाने से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। बाकी सामान्य रूप से जितने भी फल हैं वो सब लिए जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठंडे फल नहीं लेने चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसे किसी को घर में डेंगू हुआ तो उससे क्या ये दूसरों को फैलने की संभावना इसमें रहती है कि ये सेल्फ में ही रहता है? देखिए, डेंगू कंटेजियस नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता है। हाँ, अगर मच्छर उस व्यक्ति को जिसको डेंगू हुआ हुआ है उसका खून चूसकर दूसरे के ऊपर बैठ जाए तो उसको संक्रमित कर सकता है, लेकिन एक मरीज से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को डेंगू नहीं होता है, मच्छर के द्वारा ही होता है। तो मच्छर अगर दोबारा किसी स्वस्थ व्यक्ति को वही मच्छर या दूसरा मच्छर उस संक्रमित मरीज के खून को चूस रहा है और वो दूसरे मरीज पर आ जाता है, घर के और मेंबरों पर, तो निश्चित रूप से संक्रमित कर सकता है। इसलिए उस डेंगू के मरीज को हमें आइसोलेट रखना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए, अलग बिस्तर पर, और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसे अक्टूबर, सितंबर के लास्ट और अक्टूबर में इसी समय डेंगू क्यों फैलता है, और मतलब ये कब तक ज़्यादा, मतलब इसकी संभावना रहती है बने रहने की? फिर ज़्यादा ठंड आती है तो वो फिर गायब हो जाता है? ये चूँकि जैसा मैंने बताया कि इसका प्रजनन जो है वो साफ पानी में होता है, और बरसात जैसे ही ख़त्म होने लगती है तो और जैसे सर्दी शुरू होने को होती है तो उस समय टेम्परेचर का वेरिएशन ऐसा होता है कि थोड़ी गर्मी, थोड़ी सर्दी, थोड़ा बरसात, ह्यूमिडिटी, ये सब होती है। तो ऐसे मौके पर बरसाती पानी जगह जगह एकत्रित होता है, तभी ये डेंगू मच्छर, ये जो एडीज एजिप्टी जो वायरस का जो मच्छर है, तब ये ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और क्योंकि इनकी प्रजनन क्षमता उसी साफ पानी में बढ़ती है, इसलिए ऐसा मौसम ही इनके लिए अनुकूल है। उसी समय ये ज़्यादा दिखलाई देते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा फैलते हैं, इसीलिए इसी मौसम में डेंगू का ज़्यादा प्रकोप होता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को डेंगू से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी। इस समय चूँकि डेंगू फैल रहा है तो एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही फीवर आता है
समय पे डॉक्टर को दिखाएं ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, उससे पहले ही ट्रीटमेंट मिल जाए। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।